तो हेलो गाइस, दिस इज कुशल सरकार और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के। एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, देखते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं और पूरी मार्किंग्स हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख के आप इंपॉर्टेंट मार्किंग्स कर लीजिए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा उनको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर एकदम डन हो जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 एकदम गारंटी। तो पहले ही पेज के अंदर हमको समझाया गया कि कैसे कॉलोनियलिज्म के कारण नेशनलिज्म डेवलप हुआ और ये जो मार्किंग है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1A का एनसीईआरटी का। अब अपन शुरुआत करते हैं मेन चैप्टर के साथ। तो यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर पीरियड। तो यहाँ पर अच्छे से मार्किंग कर रखी है, समझा रखा है, यही इसका आंसर है। उसके बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह समझाया गया, यहाँ पर बता रखा है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जिसका आंसर इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है, और गिव थ्री सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेसफुली लेड बाई गांधी जी, तो उसका आंसर इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब अगला पार्ट आता है रॉलेट एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रॉलेट एक्ट, व्हाई इंडियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एंड व्हाट आर द एक्शन टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर इस पूरे पैराग्राफ में मैंने मार्क कर रखे हैं। फिर जो है इस वाले पैराग्राफ में अपने को जलियांवाला बाग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पूरा जो जलियांवाला बाग कैसे हुआ था वो इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है, और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे वो इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि मैंने मार्क कर रखे हैं। उसके बाद ये वाले पैराग्राफ में हमको खिलाफत मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, और यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, व्हाट वॉज खिलाफत मूवमेंट, हु लेड दिस मूवमेंट इन इंडिया। फिर यहाँ पर हिंद स्वराज जो कि एक बुक है गांधी जी ने लिखी थी उसके बारे में बता रखा है, और इस वाले पैराग्राफ में जो गांधी जी के व्यूज हैं जो उन्होंने उस बुक में लिखा है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसकी प्लानिंग कैसे की गई वो इस वाले पैराग्राफ में हमको बता रखा है। फिर इस वाले पैराग्राफ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, वेदर ऑल कांग्रेस लीडर्स एग्रीड विद गांधी जी रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और वॉट वॉज द इंटरनल डिस्ट्रेस बिटवीन कांग्रेस लीडर्स ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसका आंसर भी यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। फिर अपन आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर पहले ही लाइन में एक वन मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हाउ डिड पीपल लेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज और बाई मिडिल क्लास पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और मैंने अच्छे से मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एक्सप्लेन। डायरेक्ट फिर CBSE लाइन टू लाइन यहाँ से क्वेश्चन उठा के बना देगा, तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा आंसर लिखना है। इस वाले पैराग्राफ में जो है फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रीजन बताया गया कि क्यों आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया। अब यहाँ पर जो है इफेक्ट इन विलेजेस एंड कंट्री साइड बता रखा है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा, हु वॉज बाबा रामचंद्र। तो यहाँ पर पूरा उसका बता रखा है, ए सन्यासी हू हैड अर्लियर बीन अ फिजी, पूरा ये मैंने मार्क कर रखा है, यही उसका आंसर होगा। और इस वाले पैराग्राफ में जो है पूरा बता रखा है कि कंट्री साइड में आखिर लोगों ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रिएक्ट किया। फिर अगले पेज में हम लोग आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हु वॉज आलूरी सीताराम राजू, व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ ही डिफर्ड इन व्यूज फ्रॉम गांधी जी। तो पूरा आलूरी सीताराम राजू के बारे में गुडेम हिल्स जो है इस वाले पैराग्राफ में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, पूरा मैंने अच्छे से मार्किंग कर दिया था, आपको यही लिखना है बस। अब यहाँ पर जो है प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, और यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट वाज द नोशन ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। तो बहुत ही सिंपल है, मार्किंग कर रखी है, मार्क कर लो। अब देखो CBSE कैसे फंसाता है, बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं, अब वो ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर छोटे से जगह में हमको छौरी छौरा इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द इंसिडेंट्स ऑफ छौरी छौरा, तो आपको सीधा ये वाला पैराग्राफ उठा के लिख देना है। अब अपन आ जाते हैं पार्ट थ्री के तरफ में, और यहाँ से सीधा सीधा साइमन कमीशन से क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट वॉज साइमन कमीशन, वाई वॉज इट फॉर्म्ड एंड हाउ इट वॉज वेलकम्ड इन इंडिया। तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा बता रखा है कि क्यों साइमन कमीशन को बनाया गया और यहाँ पर पूरा कैसे उसको वेलकम किया गया इंडिया में, यहाँ पर पूरी प्रॉपरली मार्किंग्स कर ली हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, जो फेमस सॉल्ट मार्च के बारे में यहाँ पर बता रखा है, वाई सॉल्ट वॉज यूज एज ए वेपन बाई गांधी जी, उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो उसका आंसर ये दिया हुआ है, जो सॉल्ट मार्च है वही एज अ बिगनिंग था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, तो पूरा यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। अब यहाँ पर जो है फीचर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट समझा रखा है कि मतलब आखिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने कैसे रिएक्ट करा, उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेज आखिर उस चीज़ के क्या क्या थे। अब इस वाले पैराग्राफ में जो है एक क्वेश्चन बन जाता है, वाई गांधी जी विदड्रॉ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो फिर मार्किंग कर रखिए, यही उसका प्रॉपरली आंसर हो जाएगा। अब जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट करा वो यहाँ पर हमको बताया गया। तो इस वाले पैराग्राफ में जो है जो रिच पीजेंट्स हैं उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, हमको यहाँ पर ये बताया गया, और जस्ट नीचे वाले
पैराग्राफ में पुअर पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया वो बता रखा है। एंड सिमिलरली नोशन ऑफ स्वराज फॉर बिजनेस क्लासेस वो इस वाले पैराग्राफ में हमको एक्सप्लेन कर रखा है, पूरी मार्किंग्स है, मार्किंग कर लो। फिर चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बन जाता है द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सप्लेन, तो फिर इसका आंसर जस्ट नीचे मार्किंग कर रखी है, यही इसका आंसर होने वाला है। फिर यहाँ से जो है रोल ऑफ वुमेन एक्सप्लेन कर रखा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से मार्किंग कर लेना, पूरा रोल ऑफ वुमेन समझाया गया है। अब इस वाले पैराग्राफ में जो है दलित्स को एक्सप्लेन किया गया और गांधी जी ने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या किया वो भी एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर जो है पूना पैक को एक्सप्लेन किया गया कैसे बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया और फाइनली पूना पैक्ट होता है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, वो इस पैराग्राफ में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। फिर यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है वाई द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर ऑल्सो ल्यूक वार्म इन द रिस्पॉन्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका आंसर फिर जस्ट नीचे दिया है, प्रॉपरली पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली अपन लास्ट पार्ट में आ जाते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यहाँ से पहले ही पैराग्राफ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज रिलीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। फिर यहाँ पर भारत माता के बारे में बताया गया, डिफरेंट सिंबल्स के बारे में बताया गया, वंदे मातरम के बारे में बताया गया, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इसी पैराग्राफ से बनने वाले हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है हाउ इमेज ऑफ भारत माता यूज टू प्रमोट नेशनलिज्म। सिमिलरली इस वाले पैराग्राफ में रोल ऑफ इंडियन फोकलोर इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म समझा रखा है, मार्किंग्स है, यही इसके आंसर होने वाले, बस आपको इतना ही लिखना है, इतना ही याद करना है, बस आपका काम हो जाएगा। फिर इन दो पैराग्राफ से ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन दोनों को बस ऐसे ही एक बार रीडिंग मार लेना, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। इतने कम टाइम के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरी मार्किंग्स दे दी, बस आपको उतना सही पढ़ के एग्जाम में जाना है और इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, आपका नेशनलिज्म इन इंडिया डन है। इसके पहले नेशनलिज्म इन यूरोप की भी ये सेम वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसको भी देख लेना, आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरा हिस्ट्री आपका डन है। और ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको इजीली पता चल जाएंगे, आप एक बार रीड करेंगे, मैंने अभी आपको सारे बता रखे हैं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कहाँ लिखा। तो बस इसी के साथ अपना नेशनलिज्म इन इंडिया भी कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करो, बहुत मेहनत की जा रही है इस सीरीज़ के लिए आपके लिए, प्लीज़ लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय।